Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about numerical based on zeolite process. सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. क्वेश्चन इज द हार्डनेस ऑफ 10,000 लीटर्स ऑफ सैंपल ऑफ वाटर वॉज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय जियोलाइट सॉफ्टनर रिक्वायर्ड 60 लीटर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 किलोग्राम पर लीटर ऑफ NaCl फॉर रीजनरेशन. कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर. जियोलाइट प्रोसेस का जो हमने थ्योरेटिकल वीडियो देखा था, अब उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा हमने डायग्राम के थ्रू पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. ये हमारा जियोलाइट सॉफ्टनर, जो हम यहाँ पर जियोलाइट के थ्रू वाटर को सॉफ्ट करते हैं, उसका एक डायग्राम है. क्वेश्चन में बोला गया है कि 10,000 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ वाटर, मतलब यहां से जो हम हार्ड वाटर डाल रहे हैं वो कितना है, 10,000 लीटर. 10,000 लीटर वाटर को जब हमने यहां से इस जियोलाइट बेड पर जब हमने यहां से इसके थ्रू पास कराया, तो जियोलाइट कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया. जब इसको रीजनरेट कराया हमने, तो हमको NaCl का सॉल्यूशन, जो हम यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन सॉफ्टनिंग के लिए डालते हैं, वो NaCl का सॉल्यूशन हमको लगा है 60 लीटर हमको यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन लगा. और ये NaCl का सॉल्यूशन का यदि कॉन्सेंट्रेशन देखा, तो कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है वो दिया है 1.5 किलोग्राम पर लीटर. 1.5 किलोग्राम पर लीटर, तो 1.5 किलोग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन वाला NaCl का सॉल्यूशन कितना लगा, 60 लीटर लगा, तब जाकर के हमारा जियोलाइट कंप्लीटली रीजनरेट हुआ. तो क्वेश्चन इज, ये जो 10,000 लीटर हार्ड वाटर जो हमने यहाँ से फ्लो कराया है, उसकी हार्डनेस कितनी है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है. तो अब इसके सॉल्यूशन पर हम आते हैं और इसको देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे. अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. इसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर जो गिवन है NaCl का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लिखते हैं 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेन 1.5 किलोग्राम, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1500 ग्राम ऑफ NaCl. ये क्वेश्चन में गिवन है, 1 लीटर में 1.5 किलोग्राम मीन 1500 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है. तब कितना लगा है, 60 लीटर. देन 60 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच अमाउंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1500 इंटू 60 आंसर इज 90,000 ग्राम ऑफ NaCl. इतना NaCl हमको जो 10,000 लीटर वाटर हमने फ्लो कराया था उससे जो जियोलाइट एग्जॉस्ट हुआ है उसको रीजनरेट करने के लिए लगा. अब इसके बाद जो हार्डनेस का फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. मींस जो हार्डनेस 10,000 लीटर वाटर में प्रेजेंट थी उसका रिमूवल किया है 90,000 ग्राम ऑफ NaCl में, तो हार्डनेस कितनी और कितनी रिमूव हुई उसको हम देखते हैं. तो हार्डनेस रिमूव्ड बाय NaCl, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो हार्डनेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इनटू
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 100 बाय 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्ट्रेंथ मीन्स अमाउंट, जिस अमाउंट ने 10,000 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस को रिमूव किया है, तो NaCl का जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज 90,000 इंटू 100 बाय 2, ये तो फिक्स है। और यहाँ पर हमको पुट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl पुट करेंगे क्योंकि अमाउंट भी हमने NaCl की ही ली है। तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले निकालेंगे इसका मॉलिकुलर वेट। तो इसका एटॉमिक वेट होता है सोडियम का 23 प्लस Cl का होता है 35.5, तो दोनों को प्लस करने पर आंसर आता है 58.5, दिस इज मॉलिकुलर वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एम फैक्टर, या उसकी जो वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर वैलेंसी की बात करें या एम फैक्टर की बात करें तो सोडियम के ऊपर होता है प्लस वन चार्ज, तो Cl के ऊपर होता है माइनस वन चार्ज, मीन्स एम फैक्टर की वैल्यू आई 1। तो अब यहाँ पर 58.5 मीन्स मॉलिकुलर वेट अपॉन 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 58.5, क्योंकि एम फैक्टर 1 है, इस वजह से इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिकुलर वेट बोथ आर सेम, तो यहाँ पर आगे दोनों इक्वल। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl 58.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है 7693.076 ग्राम। ये इतनी हार्डनेस रिमूव हुई है, कहाँ प्रेजेंट थी ये 10,000 लीटर ऑफ वाटर में। अब हमको चूंकि हार्डनेस को ppm में एक्सप्रेस करना पड़ता है, मीन्स मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट क्या रहेगा, 10,000 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 7923.076 ग्राम, ये इतनी जो है हार्डनेस इसमें वाटर में प्रेजेंट है। तब 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन हाउ मच अमाउंट, तो इस अमाउंट को 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 7692.076 डिवाइडेड बाय 10,000, ये हमारा इतना आ गया 10,000 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट है इतना, तो 1 लीटर में कितना होगा, तो सीधे सीधे इसकी जो डेसिमल है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 7.6923 ग्राम। ये कितना हो गया, इतना ग्राम कितने में है, 1 लीटर में। तो एक्सप्रेस करना है उसको ppm में, मीन्स मिलीग्राम पर लीटर में, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 7.6923 इंटू 1000, तो 1000 से किया तो यहाँ पर 123 डेसिमल इस तरह शिफ्ट हो गया, तो आंसर आ गया 7692.3, ये आ गया ppm में आंसर, ये आ गया ppm में आंसर। तो वहां पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा एक बार में आंसर आ जाता। तो ये जो है पूरा हमारा जियोलाइट का
पूरा सॉल्यूशन है। पहले हमको NaCl कितना लगा और एक लीटर में NaCl कितना प्रेजेंट था, उससे हमने निकाल लिया अमाउंट, और वो कितनी हार्डनेस को रिमूव करेगा, तो हार्डनेस के फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके हमने निकाल लिया कि कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है। तो कितने लीटर वाटर में प्रेजेंट है, जितना हमने फ्लो कराया था उतनी ही तो रिमूव होगी। तो 10,000 लीटर वाटर को हमने फ्लो कराया तो उतनी हार्डनेस रिमूव हुई NaCl के थ्रू, और फिर हमने निकाल लिया कि 10,000 लीटर में इतनी हार्डनेस है तो 1 लीटर में कितनी होगी। और चूंकि उसको प्रॉपर एक हम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ppm में एक्सप्रेस करते हैं, तो ppm में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो मिलीग्राम पर लीटर या ppm में आंसर आ गया। आई होप आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी भी स्टेप में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख करके देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड